रहीम स्टार्ट करते हैं गैटन 358 की पार्ट 4 की वीडियो को। शॉर्ट टर्म मेमोरी, ये बिल्कुल टेम्पररी मेमोरी होती है। जैसे मिसाल के तौर पे आप फोन पे किसी से बात कर रहे हैं, वो आपसे कहता है कि यार ये नंबर नोट कर लो। अब अगर पेपर पेंसिल नहीं है तो आप कहते हैं हाँ बताया नंबर, वो कहता है 0334972503। आपने जहन में बिठा लिया नंबर और आप बार बार बोले जा रहे हो 0334972503 0334972503, और आप फिर जब पेपर मिलता है आपको उसी वक्त लिख लेते हो। तो ये होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी। जब तक आप दिमाग में उसको रिहर्स करते रहोगे, दिमाग में रहेगी, जैसे ही आपने रिहर्स करना छोड़ा आप उसको भूल गए हो, ये होगी शॉर्ट टर्म मेमोरी। इसका मैकेनिज्म देखा जाए तो दो तरह की थ्योरी है। एक तो हम कहते हैं कि सर्किट ऑफ रिवर्बरेटिंग न्यूरॉन्स, यानी कि जिस तरह हमने वहां पे पढ़ा था सेंसरी फिजियोलॉजी में पढ़ा था कि हमारे पास रिवर्बरेटिंग न्यूरॉन्स होते हैं, इस तरह पूरा एक चक्कर होता है। तो अभी भी यही बात कर रहे हैं कि भाई एक मेमोरी आई, वो मेमोरी इसी चक्कर में घूमती रही, हम बार बार उसको रिवाइज करते रहे, घुमाते रहे। ठीक है, मैंने वो नंबर लिखना था, ये चूंकि अभी घूम ही रही थी तो मैंने उसको यूज कर लिया। ठीक, स्टोर नहीं कर रहे हम उसकी इन्फॉर्मेशन को, बस ये घूमती जा रही है, यानी कि रिवर्बरेट करती जा रही है। जैसे ही रिवर्बरेट करना छोड़ा मेमोरी भूल गई। इस पाथ से हमें कोई चेंजेस इसने कॉज नहीं की, कोई पर्टिकुलर इसने परमानेंट चेंज नहीं कॉज की, बस वो जब तक हम उसको घुमाते फिराते रहे वो जेन में रहेगी। ये तो होगी एक थ्योरी। दूसरी थ्योरी ये है कि भाई थोड़े बहुत सारे एप्सेस के अंदर चेंजेस आ जाती हैं फैसिलिटेशन और इनहिबिशन के थ्रू। जिससे हमने पहले भी कहा था कि मेमोरी ट्रेसेस बन रहे होते हैं, उसी तरह से ये भी शॉर्ट टर्म के लिए हम मेमोरी ट्रेसेस बना लेते हैं और फिर मेमोरी ट्रेस बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। ये होगी शॉर्ट टर्म की दो थ्योरी। फिर आती है हमारे पास इंटरमीडिएट लॉन्ग टर्म थ्योरी। अब इंटरमीडिएट लॉन्ग टर्म मेमोरी, ये वो मेमोरी है कि आपने एक चीज याद कर ली है, अगर आप इस चीज को बहुत हफ्ते बाद रिवाइज करते रहेंगे तो फिर आपके दिमाग में बैठ जाएगी, लेकिन अगर आपने बिल्कुल ही रिवाइज करना छोड़ दिया तो फिर आपके दिमाग से निकल जाएगी। ठीक, जिस तरह आप बीडी चौरासिया पढ़ते हैं, एनाटॉमी पढ़ते हैं, कोई चीज पढ़ते हैं तो आपके जहन में एक वक्त बैठ जाती है, ठीक है, और एक दो दिन तक बैठी रहती है। रिवाइज कर लेंगे तो ठीक है, रिवाइज नहीं करेंगे तो दिमाग से निकल जाएगी। ये क्या करती है, बेसिकली हमारा ये मानना है कि जब ऐसी इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन में किसी ट्रैक से गुजरती है तो वो वहां पे कुछ ना कुछ केमिकल चेंजेस कॉज करती है। ठीक है, वो केमिकल चेंजेस थोड़ी देर तक स्टोर रहती हैं। अगर तो हमने रिवाइज कर लिया बात को तो केमिकल चेंजेस मजीद पक्की होती चली जाएंगी, और अगर हमने रिवाइज ना किया तो आहिस्ते आहिस्ते चेंजेस खत्म हो जाएंगी और वो मेमोरी ट्रेस जो है वो मतलब बिल्कुल डिफ्यूज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और बात जेन में नहीं रहेगी हमारे। तो इसकी थ्योरी देखते हैं कि ये होता किस तरह से है। अच्छा, अब आप देखना हम बात को ना एक एक स्टेप करके डिटेल को इंक्रीज कर रहे हैं। पहले हमने कहा था एक पॉजिटिव मेमोरी होती है, एक नेगेटिव मेमोरी। पॉजिटिव मेमोरी को हम दिमाग में बिठा लेते हैं, नेगेटिव मेमोरी इग्नोर कर देते हैं। करते किस तरह से है, पॉजिटिव मेमोरी में जो आपका न्यूरोनल सर्किट था वो आहिस्ता आहिस्ता मजीद एक्साइट होता है, जबकि नेगेटिव मेमोरी में न्यूरोनल सर्किट आहिस्ता आहिस्ता इनहिबिट होता है, हैबिचुएट हो जाता है, वो आने वाले सिग्नल से एक्शन से प्रोड्यूस नहीं करता। सही की बात, ये तो हमने बिल्कुल बेसिक देखी। अब हम थोड़ी सी मजीद डिटेल देख रहे हैं। ये देखिएगा कितना मजेदार सिनेप्स है, इंफॉर्मेशन लेके आ रहा है ये वाला न्यूरॉन, ये सेंसरी न्यूरॉन, और आगे जाना है इस न्यूरॉन ने। तो ये हो गया आपके पास प्री सिनेप्टिक टर्मिनल, ये हो गया पोस्ट सिनेप्टिक टर्मिनल। अब यहां पे आप देखो ये कौन न्यूरॉन भी आ रहा है, ये होता है हमारे पास फैसिलिटेटर टर्मिनल। सही के बाद, तो जो आपकी नेगेटिव मेमोरी होती है उसमें ये होता है कि फैसिलिटेटर टर्मिनल एक्टिवेट नहीं होता। तो होगा ये वाला जो न्यूरॉन है इन्फॉर्मेशन को लेके आया, एक दफा इन्फॉर्मेशन गुजर गई, नेक्स्ट टाइम हम कहते हैं यार ये इन्फॉर्मेशन बेकार थी, नेक्स्ट टाइम इतना गुजरने नहीं देना, अगली दफा के लिए ये थोड़ा बहुत इनहिबिट हो गया, फिर मजीद अगली दफा के लिए मजीद इनहिबिट हो गया। सही, और जब हमने पॉजिटिव मेमोरी होती है, यानी कि वो मेमोरी जिसको हमने खासतौर पर स्टोर करना है, जिसके साथ हमारे इमोशन एसोसिएटेड है, जिसके बारे में हम सोचते हैं, जो हमारे लिए अहम है, उस केस में ये होगा कि हम सेंसरी न्यूरॉन को भी स्टिमुलेट करेंगे और फैसिलिटेटर न्यूरॉन को भी स्टिमुलेट करेंगे। जब दोनों न्यूरॉन स्टिमुलेट होते हैं ना तो ये जो सिनेप्स है ये ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है कि यार नेक्स्ट टाइम इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं उसको ज्यादा तेजी से गुजारूंगा, अब नेक्स्ट टाइम जब वो इन्फॉर्मेशन आएगी तो और तेजी से वो गुजरेगा। यानी कि पॉजिटिव मेमोरी में फैसिलिटेटर न्यूरॉन भी एक्टिवेट होता है, जिसकी वजह से ये ओवरऑल एक्साइट हो जाता है, नेक्स्ट टाइम ज्यादा स्वागत करता है उसका, ज्यादा वेलकम करता है आने वाले सिग्नल का। और नेगेटिव मेमोरी में सिर्फ सेंसरी सिग्नल ही होता है, फैसिलिटेटर न्यूरॉन स्टिमुलेट ही नहीं होता, जिसकी वजह से ये जो ओवरऑल सिनेप्स है ये इनहिबिट हो गया। सही होगी बात। अब देखते हैं मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म, मजीद डिटेल में देखते हैं कि ऐसा क्या होता है कि फैसिलिटेटर न्यूरॉन अगर ना स्टिमुलेट हुआ तो ये इनहिबिट होगा, और अगर फैसिलिटेटर न्यूरॉन स्टिमुलेट हो जाए तो ये ओवरऑल एक्साइट होता है। अब ये मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म देखते हैं। सही की बात, तो पहले तो देख लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ हैबिचुएशन, जिसमें फैसिलिटेटर टर्मिनल का कोई रोल नहीं है। तो जब आपकी कोई नेगेटिव मेमोरी वाली चीज होती है, यानी कि वो चीज जो हमारे लिए गैर अहम है, तो वो यहां से गुजरती है। आपको पता ना जो भी चीज हमारा हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, वो एक दफा दिमाग में आएगी, एक दफा तो किसी ना किसी ट्रैक से वो गुजर के जाएगी। सही, तो जब एक गैर अहम है उसमें वो ट्रैक से गुजरती है, कोई फैसिलिटेटर न्यूरॉन एक्टिवेट नहीं होता, एक दफा गुजरी। अब मैकेनिज्म बेसिकली क्या होता है, आपको पता चाहिए एक्शन पोटेंशियल, जब भी कोई सिनेप्स में आगे इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर होती है तो क्या होता है, इधर आता है जनाबे वाली एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल के आने से यहाँ पे कैल्शियम चैनल्स ओपन होते हैं, कैल्शियम चैनल्स के ओपन होने से कैल्शियम का सेल में इन्फ्लक्स होगा, जब कैल्शियम का इन्फ्लक्स होगा तो इस टर्मिनल में जो न्यूरोट्रांसमीटर्स की वेसिकल्स थी वो न्यूरोट्रांसमीटर्स की वेसिकल्स रिलीज हो जाएंगी, और ये न्यूरोट्रांसमीटर अगले मेम्ब्रेन में जाके एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट करवाएगा। ऐसे ही होता है ना, तो हम ये कहते हैं कि जब एक दफा सिग्नल गुजरेगा, दो दफा गुजरेगा, जब बार बार सिग्नल गुजरता है ना तो ये जो कैल्शियम चैनल्स थे ये क्लोज होना शुरू होते, कैल्शियम चैनल्स इतने ज्यादा ओपन नहीं होते,
तो जब थोड़े कैल्शियम चैनल ओपन होंगे नखरा करना शुरू कर देते हैं कि यार क्या बेकार सी इन्फॉर्मेशन है। तो जब कैल्शियम चैनल नखरा करना शुरू कर देंगे, थोड़े कैल्शियम चैनल ओपन हुआ करेंगे, तो जाहिर सी बात है ऐसे ऐसे न्यूरॉन इनहिबिट हुआ करेगा। तो इसी तरह से हैबिटुएशन होना शुरू होती है और नेगेटिव मेमोरी में ये न्यूरॉन जो होता है इनहिबिट होता है, सिनैप्स जो होते हैं इनहिबिट होता है। सही, नेगेटिव मेमोरी का देख लिया। अब हम देखते हैं कि जो फैसिलिटेशन हमने पढ़ी है या एक्साइटेशन पढ़ी है वो कैसे होती है। तो उसमें जनाने वाले ये फैसिलिटेटर टर्मिनल भी इन्वॉल्व है। तो होता बेसिकली ये जो इन्फॉर्मेशन हमारे लिए अहम होती है जब वो यहाँ पे आती है ना, तो हम साथ साथ फैसिलिटेटर टर्मिनल को भी या फैसिलिटेटर न्यूरॉन को भी एक्टिवेट कर देते हैं। ये फैसिलिटेटर न्यूरॉन यहाँ पे सेरोटोनिन रिलीज करता है, ठीक है। ये सेरोटोनिन इस प्री सिनैप्टिक टर्मिनल के अंदर एक पूरा सेकंड मस्कुलर सिस्टम एक्टिवेट करवाता है, एडेनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट करेगा, जिसकी वजह से साइक्लिक एएमपी बनेगी। साइक्लिक एएमपी बनने की वजह से यहां के पोटेशियम चैनल्स ब्लॉक होना शुरू होते हैं। अब जब पोटेशियम चैनल्स ब्लॉक होंगे तो जाहिर मतलब पोटेशियम बाहर नहीं जा सकेगी। जब पोटेशियम बाहर नहीं जाएगी तो डीपोलराइजेशन देर से होगी। हम जो बिल्कुल शुरू शुरू में एक्शन पोटेंशियल और ये वो सारा कुछ पढ़ा करते थे, तो वहां पे आपको याद होगा इस तरह से हम यूं एक्शन पोटेंशियल और डीपोलराइजेशन पढ़ते थे। तो इसमें हम क्या कर रहे थे, सबसे पहले सोडियम चैनल्स खुलने की वजह से डीपोलराइजेशन होती थी, ठीक है। और फिर यहां पे आकर सोडियम चैनल्स बंद हो जाते थे, पोटेशियम चैनल खुल जाया करते थे, तो पोटेशियम सेल से बाहर निकलता था और हो जाया करती थी रीपोलराइजेशन। तो अब ये हो गया है कि साइक्लिक एएमपी ज्यादा होने की वजह से पोटेशियम चैनल जो हो गए हैं वो इनहिबिट हो गए हैं। जब पोटेशियम चैनल इनहिबिट होंगे तो यानी कि रीपोलराइजेशन जल्दी नहीं हो सकेगी। इसका मतलब यह है कि एक्शन पोटेंशियल ज्यादा देर तक रहेगा, और जब एक्शन पोटेंशियल ज्यादा देर तक रहेगा तो इसका मतलब है ज्यादा कैल्शियम आयंस का इन्फ्लक्स हो सकेगा और ज्यादा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो सकेगा। शुक्र है हमारे पास फैसिलिटेटर टर्मिनल जब एक्टिवेट होता है तो वो ज्यादा न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करवाने को स्टिमुलेट करता है, यानी कि ओवरऑल सिनैप्स को एक्साइट करता है, ठीक हुई बात। पहले हमने कहा पॉजिटिव मेमोरी स्टोर करते हैं, नेगेटिव मेमोरी इग्नोर करते हैं। फिर हमने कहा पॉजिटिव मेमोरी में फैसिलिटेटर न्यूरॉन इन्वॉल्व होता है, नेगेटिव में इन्वॉल्व नहीं होता। फिर हमने पूरा डिटेल से देखा कि जब फैसिलिटेटर न्यूरॉन इन्वॉल्व नहीं होता तो कैल्शियम चैनल्स बंद होना शुरू होते हैं, और जब वो इन्वॉल्व होता है तो एडेनाइल साइक्लेज सिस्टम की वजह से ओवरऑल एक्शन पोटेंशियल ज्यादा देर तक रहना शुरू होता है। सही की बात। तो ये तो हमने मॉलिक्यूलर लेवल पे भी मैकेनिज्म को स्टडी कर लिया। फिर इसके अलावा वो बता रहे हैं, अच्छा जो स्टडीज है ना ये एक स्नेल के अंदर ये अप्लाइसिया, क्योंकि ये इस तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं इनका नर्वस सिस्टम को स्टडी करना आसान होता है, तो वो बता रहे कि हमने उनके अंदर स्टडीज की थी। मजीद कुछ और भी हमने स्टडीज की थी, हमने ये देखा। अब आप भी कभी कभी सोचते होंगे कि यार ये एक न्यूरॉन है, कोई एक मेमोरी का ट्रेस यहां से गुजरा और उस मेमोरी ने कैलो सिनैप्सिस में कोई ना कोई केमिकल चेंज कर दिया, मजीद एक्साइट किया, मजीद इनहिबिट कर दिया। लेकिन बहुत सारी तरह की चीजें आप सिग्नल जब रिसीव कर रहे होते हैं तो हो सकता है कोई और सिग्नल भी इन्हें न्यूरॉन से गुजरे। तो जब एक ही तरह के न्यूरॉन से मुख्तलिफ तरह के सिग्नल गुजरे, यानी कि बॉडी के मुख्तलिफ जगह से आने वाले सिग्नल गुजरे, तो अल्टीमेटली ना सिर्फ इस प्री सिनैप्टिक टर्मिनल में चेंज आती है बल्कि पोस्ट सिनैप्टिक टर्मिनल में भी थोड़ी थोड़ी चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। कब? जब एक न्यूरॉन को बहुत सारे सोर्सेस इन्फॉर्मेशन मिल रही हो। ये यहाँ पे उन्होंने बात की है, ये कोई इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नहीं है। एम ये असल में जो रिसेंट रिसर्च होती है ना, गैटन की आदत होती है, उसके बारे में शुरू छोड़ देता है, पूरी डिटेल नहीं बताता, तो वो आपकी इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं होती। तो इसको बारह एक उन्होंने एडिशनल बात बताइए, उसको गोली मारे। फिर आती है पास लॉन्ग टर्म मेमोरी। इस पैराग्राफ में वो ये बात कह रहे हैं कि यार ये इंटरमीडिएट लॉन्ग टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी, इनकी कोई खास ऐसे लकीर नहीं है कि मैं कहूँ कि ये इंटरमीडिएट होगी ये लॉन्ग टर्म होगी। वही इंटरमीडिएट मेमोरी होती है, उसको अगर आप बार बार रिवाइज कर लो तो वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी बन जाती है। तो इसी तरह की बात होती है। वैसे कुछ बुक्स तो क्लासिफिकेशन करती ही शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी, यही क्लासिफिकेशन करती हैं। लेकिन गाइटन मिया को शौक था, इन्होंने कहा जी एक शॉर्ट टर्म है, एक इंटरमीडिएट लॉन्ग टर्म है और एक लॉन्ग टर्म है। खैर बार हम गाइटन की बात मान लेते हैं फिलहाल, क्योंकि भाई टेक्स्ट बुक हमारी यही है। तो देखते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो कह रहे हैं, इंटरमीडिएट टर्म मेमोरी में ना मैंने आपको सिर्फ केमिकल चेंजेस के बारे में बताया था कि भाई कैल्शियम चैनल्स क्लोज होना शुरू हो जाएंगे, पोटेशियम चैनल्स जो है वो बंद होना शुरू होते हैं, ये वाली बात बताई थी। अब हम देखते हैं कि कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस भी होती हैं सिनैप्सिस के लेवल पे, क्योंकि अगर हम कोई ऐसे ड्रग्स दे देना जो कि प्रोटीन के सिंथेसिस को इनहिबिट करें तो हम देखते हैं कि इतनी अच्छी लॉन्ग टर्म मेमोरी नहीं बन पा रही। तो इसका मतलब ये हुआ कि लॉन्ग टर्म मेमोरी कुछ ना कुछ प्रोटीन्स बनाती है, और अगर प्रोटीन्स बना रही है तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस जरूर करती है। हाँ जी पकड़े गए भाई आप, ठीक है ना। तो हमने देखा कि ड्रग्स देने से, अगर ऐसे ड्रग्स दें जो कि प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं तो लॉन्ग टर्म मेमोरी भी नहीं हो पाती। ये मैंने एक बार जुमला रिपीट कर दिया है कि आपको बात जो है वो जहन में बैठ जाए, समझ में आ जाए। ऑलराइट जी, अब हम देखते हैं कि जो प्रोटीन का सिंथेसिस होता है या किस तरह की स्ट्रक्चरल चेंजेस होती हैं जो कि सिनैप्स को मजीद इनहिबिट या मजीद एक्साइट कर पाती हैं। नंबर एक, यहां पे आपको पता है यहां से वेसिकल्स ने रिलीज होना होता है, तो जिन जगहों पे वेसिकल्स ने अटैच होकर निकलना होता है, रिलीज होना होता है, हम वो अटैचमेंट साइड्स इंक्रीज कर सकते हैं ताकि ज्यादा वेसिकल्स निकले, नंबर एक काम। नंबर दो काम, हम वेसिकल्स की तादाद ही भी इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक हो गया। नंबर तीन काम, डेंड्रेटिक स्पाइंस की
स्ट्रक्चर को चेंज किया जाता है। नंबर चार, प्री सिनैप्टिक टर्मिनल्स की नंबर्स ही बढ़ा दिए जाते हैं, जो प्री सिनैप्टिक टर्मिनल है इस पूरे टर्मिनल की तादाद इंक्रीज कर दी जाती है। तो यानी कि लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए कुछ ना कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस आ जाती हैं हमारे सिनैप्स में, जिसकी वजह से वो पक्की बात बैठ जाती है। सिनैप्स का जो वो मेमोरी ट्रेस था उस ट्रेस पे पक्की पक्की चेंजेस आ जाती हैं, और वो चेंजेस हमारे दिमाग में फिर पक्की पक्की रहती हैं। सही की बात। तो एक तो हमने पढ़ी शॉर्ट टर्म मेमोरी, जिसमें सिर्फ रिवर्बरेटिंग न्यूरॉन्स थे, वो जैसे ही रिवर्बरेशन खत्म हो गई वो आपके जेन से निकल गई। दूसरा हमने देखा इंटरमीडिएट लॉन्ग टर्म मेमोरी, उसमें हमने कहा था केमिकल चेंजेस हो जाती हैं, अगर आप रिवाइज कर लोगे तो पक्की बात रहेगी, अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो हो सकता है ये केमिकल चेंजेस खत्म हो जाए और आपको बात भूल जाए। और फिर आती है लॉन्ग टर्म मेमोरी, जिसमें हम कहते हैं कि स्ट्रक्चरल चेंजेस ही हो जाती हैं पक्की पक्की, तो अब ये चीज इंशाल्लाह आपके दिमाग में कई सालों तक रहेगी ही रहेगी। सही की बात। नंबर ऑफ न्यूरॉन्स एंड देयर कनेक्टिविटीज, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है। वो ये बता रहे हैं कि शुरू शुरू में जब लर्निंग स्टार्ट होती है, यानी कि पैदाइश के बाद शुरू का जो टाइम होता है, फ्यू वीक्स या फ्यू डेज या फ्यू मंथ्स आप कह सकते हो, उस टाइम में न्यूरॉन्स हमारी बॉडी के अंदर बनते चले जाते हैं, बहुत सारे न्यूरॉन्स बनते चले जाते हैं। अब बेतहाशा न्यूरॉन्स बन रहे हैं, उनमें से कुछ न्यूरॉन्स ऐसे होंगे जो कि अपने कनेक्शंस प्रॉपर बना सकेंगे, कुछ न्यूरॉन्स ऐसे होंगे जो बस एम ही हवा में ही है। जो हवा में है उनको तो हम कहते हैं यार तुम तो बेकार हो, उनको हम डीजनरेट कर देते हैं। सही होगी बात। और कुछ ने अपने कनेक्शंस बना लिए। अच्छा, अभी जो कनेक्शंस भी बना लिए, अगर तो इस न्यूरॉन का कोई काम फायदा होगा, यानी कि यहां से इन्फॉर्मेशन गुजरा करेगी, तो ये न्यूरॉन हम अपनी बॉडी में रख लेंगे कि यार ये जिंदगी में काम आए। और अगर हम देखते हैं कि यार ये न्यूरॉन बनाया तो है लेकिन दो तीन या चार पांच दिन हो चुके हैं अभी तक यहां से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गुजरी, हम कहते तुम भी बेकार हो, तुम भी खत्म। सही, यानी कि ब्रेन के अंदर बेतहाशा जगहों पर बेतहाशा न्यूरॉन्स बनाए जाते हैं। हम कहते हैं जहां पर जरूरत होगी वो वाले न्यूरॉन्स इस्तेमाल होना शुरू हो जाएंगे, जहां पे हमने फालतू बना दिए हैं वो न्यूरॉन्स बेकार होंगे, उनको हम खत्म कर देंगे। सही, तो ये है हमारे पास यूज इट और लूज इट का लॉ। यानी कि न्यूरॉन्स बेतहाशा बना दिए, हम ब्रेन से कहते हैं या तो न्यूरॉन्स को यूज करना शुरू कर दो, नहीं तो हम ये न्यूरॉन्स खत्म कर देंगे। सही ये बात। तो जो ब्रेन का पोर्शन ज्यादा यूज होता है वहां पर ज्यादा न्यूरॉन्स रह जाते हैं, जो ब्रेन का पोर्शन थोड़ा यूज होता है वहां पर न्यूरॉन्स खत्म होना शुरू होते हैं। तो कितना अल्लाह तआला ने जबरदस्त किस्म का सिस्टम बना दिया हमारे पास, यूज इट और लूज इट। जैसे हम लोग वैसे तो स्पीशीज में भी यही बात कर रहे होते हैं कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, की बार वो छोड़े उस बात को, तो ये बात हमने देख ली है। अच्छा, फिर इसकी एग्जाम्पल वो दे रहे हैं कि अगर एक बेबी है उसकी आप एक आंख पर पट्टी बांध दें, अब क्या होगा, इस आंख से रिलेटेड जो भी न्यूरॉन्स हैं उन पर तो कोई विजुअल सिग्नल जाएंगे ही नहीं। ठीक, तो अगर आप महीना एक या काफी टाइम के लिए पट्टी बांधे रखें तो वो वाले जो न्यूरॉन्स हैं वो बॉडी लूज कर देगी। उसके बाद जब आप पट्टी खोलेंगे तो वो बेबी बेचारा उस आंख से अच्छी विजन भी नहीं हो पाएगा उसका, क्योंकि उस आंख के पीछे जो न्यूरॉन्स वगैरह होने चाहिए थे वो न्यूरॉन्स बॉडी ने खत्म करने, बॉडी कहते हैं तो बेकार के न्यूरॉन्स है। अब बॉडी को क्या पता कि अभी आंख में पट्टी बांधी है, थोड़ी देर पट्टी खुल जाएगी, बॉडी तो देखती है ना कि भाई ये जो आंख के पीछे वाले न्यूरॉन है ये बिल्कुल यूज नहीं हो रहे, गोली मारो। ऑलराइट जी, आगे आते हैं हमारे पास कंसोलिडेशन ऑफ मेमोरी। अच्छा, मेमोरी की ना हमारी तीन लेवल्स हैं। एक होता है बात का दिमाग में घुसना, फिर होता है उस बात का दिमाग में रहना, और फिर होता है वो बात रिकॉल करना। सही की बात, एक्वायर करना, कंसोलिडेट करना और रिकॉल करना, ये तीन लेवल होते हैं। अभी तक जो हमने पढ़ा है हमने पढ़ा एक्वायर करना, केमिकल चेंजेस से एक्वायर करते हैं, फिजिकल चेंजेस से एक्वायर करते हैं, रिवर्बरेटिंग न्यूरॉन्स मुख्तलिफ तरीकों से एक्वायर कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कंसोलिडेशन ऑफ मेमोरी, ये मेमोरी हमारे दिमाग में बैठी रहे। अब जारी बात है कि तब ही बैठी रहेगी अगर प्रॉपर स्ट्रक्चर चेंजेस वगैरह अच्छी तरीके से होंगी। तो इसके लिए बता रहे हैं कि या तो हम केमिकल चेंजेस, जिस तरह हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो केमिकल चेंजेस हैं इन्हीं केमिकल चेंजेस को हम बरकरार रखते हैं, तो ये केमिकल चेंजेस करने के लिए तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता, थोड़े से टाइम में 5-10 मिनट वगैरह में हो जाता है। लेकिन फिर अगर आपने मजीद कंसोलिडेशन ऑफ मेमोरी करनी हो, मेमोरी को दबाव में पक्के अच्छे तरीके से बिठाना हो, तो उसमें जारी बात है ये स्ट्रक्चरल चेंजेस रिक्वायर्ड होंगी, जिसमें फिर वो घंटा एक लग जाता है, क्योंकि आपने शुरू से जाना है डीएनए से कहना है एमआरएनए बनाओ, एमआरएनए से कहना है प्रोटीन्स बनाओ, और फिर प्रोटीन के सिंथेसिस के थ्रू हमने पूरी तगड़ी किस्म की स्ट्रक्चरल चेंजेस करनी है। कि अगर आपने मेमोरी को पक्के तरीके से ब्रेन में रखना है तो उसके लिए तकरीबन 1 घंटे तक आपकी वो बात जेहन में रहनी चाहिए। ठीक है ना, तो अगर आपने एक बात एक दफा आपके जेहन में आई और फिर उसके बाद एनेस्थीसिया दे दिया कि ब्रेन जो है उसको सुला दिया, तो जाहिर सी बात है कि वो पक्की मेमोरी नहीं बन सकेगी, कंसोलिडेशन मेमोरी नहीं हो सकेगी। वैसे मेमोरी अगर आप कोई चीज याद कर रहे थे, अभी बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ उसको जेहन में दोहराते हुए, आपने कुछ और चीज सोचना शुरू कर दी, तो वो भी कंसोलिडेशन मेमोरी नहीं हो सकेगी। कंसोलिडेशन मेमोरी के लिए जरूरी ये है कि कुछ घंटे एक तक उसी बात को हम सोचते रहे, यानी कि वो बात हमारे दिमाग में रिहर्स होती रहे, चाहे आप उसको वॉलंटरली सोचें या वो इन द बैक ऑफ माइंड हमारे चलती रहे। सही की बात। रिहर्सल एनहांसेस द ट्रांसफर ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी इनटू लॉन्ग टर्म मेमोरी। एक लॉन्ग टर्म मेमोरी है, एक नंबर है 0334975263। आप 10 मिनट तक बोल ही जाओ 0334975263, ये नंबर बोल दी जाओगे ना, तो रिहर्सल की वजह से आहिस्ता आहिस्ता
वो जो जिस मेमोरी ट्रेस में से वो मेमोरी गुजर रही है उसमें चेंजेस आना शुरू हो जाएंगी और वो लॉन्ग टर्म मेमोरी बनना शुरू हो जाएगी। वैसे भी कोई इंटरमीडिएट टर्म मेमोरी हो तो वो भी अगर आप बार बार याद करते हो तो वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो जाती है। फिर आगे जब वो बात कर रहा ना, ये बड़ा बदतमीज है, स्टूडेंट्स के सीक्रेट लीक कर रहा है। वो कह रहा है कि अगर आप चैप्टर का थोड़ा सा हिस्सा तसल्ली से अच्छे तरीके से पढ़ लोगे तो वो दिमाग में ज्यादा बैठ जाएगा, और अगर आपने पूरा ज्यादा सारा हिस्सा पढ़ लिया सुपरफिशियल ऐसे गुजार गुजार के पढ़ लिया तो वो आपके दिमाग में नहीं बैठेगा। क्यों नहीं बैठेगा? क्योंकि उसमें आपने रिहर्सल नहीं की, और जब आपने थोड़ा सा पढ़ा था तो उसमें आपने रिहर्सल ज्यादा की थी। तो जिस चीज की हम जितनी रिहर्सल करते हैं वो उतना हमारे दिमाग में बैठ जाता है। ये बात वैसे टू क्लास के बच्चे को भी पता होती है, ये आज ग्रेटन हमें बता रहा है अंदर की बात। अच्छा, कोडिफिकेशन ड्यूरिंग कंसोलिडेशन, यार ये बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। जिस तरह दुकान होती है ना, तो उस दुकानदार ने चीजों को ऐसे कैटेगराइज किया हुआ होता है, किसी एक जगह पे उसने अपनी वो दालें और चीनी और चावल वगैरह रखे हुए होते हैं, कोई जगह होते हैं जहाँ पे उसने बिस्किट्स और जूसेस और चिप्स वगैरह रखे हुए होते हैं, कोई जगह होती है जहाँ पे उसने टूथब्रश टूथपेस्ट सोप्स और शैम्पू ये वो रखा होता है, ठीक है, ताकि जब कस्टमर आके कुछ चीज मांगे हम वो पर्टिकुलर जगह पे जाए, वो दाल मांगे तो वो दालों वाले सेक्शन में जाए और वहां से पर्टिकुलर दाल चुनकर दे दे। तो हमारी भी जो मेमोरी होती है उसको हम कोडिफाई कर लेते हैं कि यार एक जैसी मेमोरी को हम एक जगह पे स्टोर करेंगे। तो जब भी कोई नई मेमोरी, कोई नई सेंसरी इन्फॉर्मेशन, कोई नई चीज हमारे दिमाग में आती है, हम दिमाग में मौजूद पहले की मेमोरीज को चेक करते हैं और उसके हिसाब से सोचते हैं। ये हमारे पास दिमाग है, ये ठीक है, यहाँ पे कुछ कुरान की आयात स्टोर हुई हैं, यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल स्टोर हुए हुए हैं, यहाँ पे आपने कुछ कलर्स को याद किया हुआ है, यहाँ पे आपकी लैंग्वेज स्टोर हुई हुई है, यहाँ पे आपके क्लास के बच्चों के नाम स्टोर हुए हैं, इस तरह की बातें हैं। अब एक इन्फॉर्मेशन आई है जी, एक क्लास का नया बच्चा, उसका नाम है रशीद। तो अब आप देखोगे कि अच्छा रशीद क्या ये कुरान की आयत से मिलती जुलती इन्फॉर्मेशन है? नहीं, तो यहाँ पे क्लास के बच्चों के नाम स्टोर हुए हैं, तो ये रशीद को भी हम यहीं पर स्टोर करेंगे, ठीक है। फिर आपने बिस्मिल्लाह रहमान रहीम याद की, तो या कोई इस तरह की आयत याद की, तो आपको यार इसको कुरान की आयत वाले सेक्शन में भेज दो। इसका फायदा ये होगा कि जब आपने रिकॉल करना होगा ना, तो कोई आपसे कुरान की आयत पूछेगा तो आपका दिमाग इस वाले सेक्शन में घूमेगा कि यार यहाँ पे वो एक आयत थी, कौन सी थी, और आप उसको रिकॉल करना आसान हो जाएगा, सही है। तो ये कॉन्सेप्ट हमारे पास कोडिफिकेशन का। ऑलराइट जी, फिर रोल आता है हमारे पास हिप्पोकैम्पस का। लो जी, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। हिप्पोकैम्पस की पहले तो उन्होंने लोकेशन बताई हुई है, हमारा ब्रेन होता है, ब्रेन की आप साइडों पर टेम्पोरल लोब वगैरह होते हैं, टेम्पोरल लोब की नीचे वाली साइड से अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये हमने ब्रेन को नीचे वाली साइड से देख रहे हैं हम, ठीक है। अब यहाँ पे बिल्कुल मीडियली हमारे पास ये मौजूद होते हैं हिप्पोकैम्पस। बाकी उन्होंने यहाँ पे थोड़ी डिटेल बात बताई है, लेटरल वेंट्रिकल के भी अंदर आप देख सकते हो घुस रहा है, और टेम्पोरल लोब के बिल्कुल मीडियल वाला पोर्शन है। टेम्पोरल लोब कौन सा लोब होता है जी, याद है थोड़ा बहुत? ये देखो, ये वाला होता है टेम्पोरल लोब, ठीक है। लेकिन ये तो आपको लेटरल व्यू नजर आ रहा है ना, इसको हम उल्टा करके देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है टेम्पोरल लोब का सबसे मीडियल पोर्शन, ये सबसे मीडियल पोर्शन है टेम्पोरल लोब, जहाँ पे हिप्पोकैम्पस है। ये जो पूरी बन रही है ना, ये आपके पास लेटरल वेंट्रिकल, तो लेटरल वेंट्रिकल के अंदर यूं घुस सा रहा है, आप कह सकते हो लेटरल वेंट्रिकल के अंदर नहीं जा रहा लेकिन उसको पिचका रहा है, दबा रहा है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि समझिएगा, ये हमारे पास एक जग है, इस जग के अंदर मैंने एक बैलून डाल दिया, ठीक है, ये आ गया हमारे पास एक बैलून, लेकिन बैलून के साथ साथ मैंने एक खरबूजा भी डाल दिया। जब मैं इस पर खरबूजा डालूंगा ना, तो वो खरबूजा इस बैलून के अंदर तो नहीं जाएगा, लेकिन इस खरबूजे की वजह से ये जो बैलून है ये पिचक जाएगा, ये यूं हो जाएगा। तो इसी तरह से हिप्पोकैम्पस जो होते हैं वो कह लो आपके जो लेटरल वेंट्रिकल है उसको दबा रहा होता है, उसको पिचका रहा होता है, सही होगी बात। अगर हम हिप्पोकैम्पस को रिमूव कर दें तो उसके दिमाग में जो पहले से मेमोरी मौजूद होगी ना, वो तो इफेक्ट नहीं होगी, उसे पूछेंगे सारा कौन है बता देगी, उसे पूछेंगे आपने कौन से स्कूल में पढ़ा बता देगा, लेकिन अब मजीद मेमोरी उसके दिमाग में नहीं आ सकती, यानी कि सर्जरी के बाद मजीद वो चीजों को लॉन्ग टर्म स्टोर नहीं कर सकता, वो मजीद चीजें याद नहीं कर सकता, ठीक है। डिक्लेरेटिव मेमोरी मजीद नहीं आ सकती, अलबत्त स्किलफुल मेमोरी वगैरह आ सकती है, वो भी हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन डिक्लेरेटिव मेमोरी उसके दिमाग में मजीद स्टोर नहीं हो सकती। इसको हम कहते हैं एंटेरोग्रेड एमनेजिया। एंटेरोग्रेड एमनेजिया का मतलब ये है कि पहले की इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है, वो रिकॉल भी कर देते हैं, लेकिन मजीद आज की हालिया इन्फॉर्मेशन दिमाग में नहीं आ सकती, मजीद याद करना मुश्किल हो गया, पिछली याददाश्त अभी मौजूद है। इसकी रीजन क्या हो सकती है? वो कह रहे हैं कि भाई यही होता है कि हिप्पोकैम्पस जो है वो कैन इन्वॉल्व हो चीजों को दिमाग में बैठाने के लिए, इस तरह के ये जो लिम्बिक रीजन होता है और हिप्पोकैम्पस, ये सारे आपको पता है कि हमारे पास एक पनिशमेंट सेंटर होता है और एक रिवॉर्ड सेंटर होता है, तो जब भी कोई चीज हमें बुरी लग रही होती है तो पनिशमेंट सेंटर एक्टिवेट होता है, जब कुछ अच्छी लगती है तो रिवॉर्ड सेंटर एक्टिवेट होता है। तो ये होता है कि जब ये सेंटर्स एक्टिवेट होते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन को ज्यादा स्टोर करते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से जब ये वाले काम खत्म हो जाएंगे हिप्पोकैम्पस का, ये वो रोल हिप्पोकैम्पस थैलेमस, तो इनके वजह लिम्बिक सिस्टम से, मतलब लिम्बिक सिस्टम की जो पूरी फंक्शनिंग थी ना वो इतनी अच्छी सही नहीं चल सकेगी, तो उसकी फंक्शनिंग खराब होने की वजह से फिर हो सकता है कि हमारी जो चीजें वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में ना जा रही हूं। एक तो हो गया एंटेरोग्रेड एमनेजिया और एक होता है रेट्रोग्रेड एमनेजिया। रेट्रोग्रेड एमनेजिया का मतलब यह है कि पिछली याददाश्त चली गई, ठीक, हाँ अभी आगे वाली चीजें तो हम याद कर सकते हैं लेकिन पिछली याददाश्त चली गई।
आमतौर पर यह होता है कि हिप्पोकैम्पस रिमूव करने, हिप्पोकैम्पस थैलेमस वगैरह रिमूव करने की वजह से रेट्रोग्रेड एमनेजिया भी होता है और एंटेरोग्रेड एमनेजिया भी होता है, यानी पिछली याददाश्त में चली गई और अब चीजों को याद कर भी नहीं पा रहे। सही के बाद कभी कभी अच्छा ये भी होता है कि अगर आप थैलेमस के किसी पोर्शन को रिमूव करो ना तो सिर्फ रेट्रोग्रेड एमनेजिया हो जाता है, यानी कि पिछली चीजें याद नहीं आ रही, रिकॉल नहीं कर पा रहे, हाँ आगे वाला काम सही चल रहा है। तो फिर इसका मतलब यह है कि थैलेमस के कुछ एरियाज इस चीज में जरूर इन्वॉल्व होंगे कि वो रिकॉल करते हो, यानी कि जो पिछली मेमोरी दिमाग में मौजूद होती है ना वो ढूंढते हो कि ये जो मुख्तलिफ सेगमेंट्स बने हुए थे वो ढूंढते हो कि यार कहां पे पड़ी हुई है, और उसको रिकॉल करने में शायद थैलेमस रोल प्ले करता हो। इसी वजह थैलेमस को रिमूव करने से सिर्फ रेट्रोग्रेड एमनेजिया हो जाता है और एंटीग्रेट एमनेजिया कई दफा नहीं होता। सही के बाद यहां पे वो बता रहे हैं कि हिप्पोकैम्पस और ये सारा कुछ रिफ्लेक्सिव लर्निंग में इन्वॉल्व नहीं है, यानी कि अगर ये वाला एमनेजिया हो भी गया है या एंटेरोग्रेड रेट्रोग्रेड जो भी एमनेजिया हो गया है, इसमें डिक्लेरेटिव मेमोरी जरूर खराब होगी, वाकयात जो उसको याद थे, लड़की का नाम जो उसको याद था, वो सारा कुछ जरूर रिमूव हो सकता है, लेकिन उसको अभी भी टेबल टेनिस खेलनी आती होगी, उसने अगर ड्राइंग सीखी हुई थी वो ड्राइंग उसको अभी भी आती होगी, स्किलफुल चीजें उसको भी आती होगी। थैंक यू वेरी मच, वीडियो अच्छी लगी, सब्सक्राइब कीजिएगा।